गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई एक पंजाबी रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका की टाइटल है लेक। फिल्म काफ़ी अच्छी है, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने नहीं देखी मुझे लगता है ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। वह आपको फिल्म देखनी चाहिए, मेरा मानना तो यही है। फिल्म फुल पैसा वसूल है और आपको पसंद भी आएगी। काफ़ी कुछ उसमें इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो आपको पसंद आएगा। अगर बात करें फिल्म को लेकर इंपॉर्टेंट रोल्स को लेकर तो लीडिंग में नजर आ रहे हैं गुंडा मुल्लर और तान्या जो कि इस फिल्म में किरदार प्ले कर रहे हैं। रौनक बोले तो रौनक और राजवीर का ट्रिपल आर या फिर बोले आर स्क्वायर। अब बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म बहुत बढ़िया है। रिलीज हुई आज इस फिल्म को 11 दिन पूरे हो चले हैं तो बस जानेंगे फिल्म ने 11 दिनों में कितना कलेक्शन कर लिया है। क्या फिल्म हिट हो चुकी है या फिर ब्लॉकबस्टर। वेल अगर बात आती है सबसे पहले फिल्म के बजट को लेकर तो उसका बजट ज़्यादा नहीं है। इस फिल्म को बना के तैयार किया है 5 करोड़ के बजट पर। आपको पता है पंजाबी मूवीज़ का जो बजट होता है वो काफ़ी कम होता है लेकिन उनकी स्टोरी होती है बहुत ही अलग होती है, बेहतरीन होती है। चलिए बात करते हैं कलेक्शन को लेकर। आज फिल्म को रिलीज हुए 11वां दिन चल रहा है। इस फिल्म के कॉम्पिटिटर के तौर पर साबित आई बोले तो इसके सामने आ रही है गल वखड़ी जो कि इस फिल्म को कहीं ना कहीं बहुत टक्कर दे रही है, बहुत बड़ी टक्कर दे रही है क्योंकि इस फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन ही हुए हैं जो कि इसके सामने बहुत भयंकर तरीके से इसको टक्कर दे रही है। फिर भी ये फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही है और कमा रही है 50 लाख के आसपास वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से। इसी वजह से इस फिल्म का जो कलेक्शन हुआ है अभी तक ऑल ओवर वो हो चुका है तकरीबन 13 करोड़ की रेंज में जो कि बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन कलेक्शन है। यानी कि आप कह सकते हो फिल्म हो चुकी है ऑल टाइम सुपर ब्लॉकबस्टर क्योंकि फिल्म ने अपने बजट के कंपैरिजन में दोनों कलेक्शन से भी ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है। बोला आपकी लेक को लेकर क्या है राय कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय, टेक केयर।